ठीक है भाई। तो लास्ट हम लोग न्यूमेरिकल्स करा रहे थे परसों, बेस्ड ऑन लेंस इक्वेशन एंड लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, आज आप लोगों का लास्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पार ऑफ अ लेंस। ठीक है, पार ऑफ लेंस। देखिए हेडिंग डाल लीजिए, पार ऑफ लेंस क्या चीज होती है। पार ऑफ लेंस, पार ऑफ लेंस। देखिए भैया, क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं पार ऑफ लेंस की। तो ये देखिए, लेंस लेंस की अगर हम बात करें, चाहे कॉन्वेक्स लेंस की बात करें चाहे कॉनकेव लेंस की बात करें, लेंस का काम क्या होता है, लेंस का काम क्या होता है बताइए जल्दी से। नहीं, लेंस का काम क्या होता है जाइए। आप बोलिए। बोलिए बोलिए, लेंस का काम क्या होता है। सर वे को रिफ्लेक्ट करना या फिर क्या करना, मतलब कि बेसिकली वे की डायरेक्शन चेंज करना। बहुत बढ़िया बात कर रही हैं आप। देखिए एक मिनट जाइए, ओके। तो ये जो आपका टॉपिक है, सबसे पहले पावर ऑफ लेंस, इसमें बात आई कि लेंस का काम क्या होता है। जैसे आपने कहा कि भैया चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, लेंस का काम होता है रेज को क्या क्या बोला आपने। हाँ, की डायरेक्शन चेंज मतलब करना। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब ये कह रहे हैं रेज को बेंड करना है ना, रेज को बेंड करता है। अब आप देखिए, चाहे ये वाला लेंस लें चाहे ये वाला लेंस लें, ये दोनों ही लेंस रेस को बेंड करते हैं। वो बात अलग है, ये टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस कर देता है, टुवर्ड द फोकस ये डाइवर्ज कर देता है, और ऊपर वाला कन्वर्ज कर देता है, लेकिन रेस को तो दोनों बेंड करते हैं ना। तो अगर हम पूछ रहे हैं कि लेंस की पार क्या है, तो लेंस की पार का मतलब लेंस की ताकत। लेकिन किस चीज की ताकत, रेस को बेंड करने की। अगर कोई भी लेंस रे को ज्यादा अमाउंट से बेंड कर रहा है, इसका मतलब उसकी पावर ज्यादा। कम बेंड कर रहा है तो कम, ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है कम कन्वर्ज कर रहा है, ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है। जितना ज्यादा डाइवर्ज, ये जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा उसकी पार उतनी ही ज्यादा होगी। तो व्हाट डू यू मीन बाय पार ऑफ अ लेंस। तो आप ऐसा कह सकते हो, द पार ऑफ अ लेंस इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस मेड इन द पाथ ऑफ रे बाय लेंस। बात समझ पा रहे हो। चलो मैं यहाँ पे दो लेंस बनाता हूँ, दो केसेस बना रहा हूँ। जैसे एक इस तरीके से ये लेंस है और एक इस तरीके से ये लेंस है। ठीक है, अभी आप देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, ये रे आई, आप ये देखिए ये रे आई, ये रे इस तरीके से बेंट हो गई। ठीक है, ये बेंट हो गई। बताओ आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरीके से रे इस पे पड़ेगी तो इसमें भी रे बेंड तो होगी, लेकिन आपको क्या लगता है क्या कोई डिफरेंस होगा इसमें और ऊपर वाले में। सर वो मोटा ये मोटा है कह रहे हैं सर, ये थोड़ा आपने मोटा बनाया है, थोड़ा पतला बनाया है, तो रे क्या होगी। जब ज्यादा मोटा है तो फिर बेंड भी ज्यादा होगी। जैसे कि ग्लास स्लैब में थिक होता था तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होती थी ज्यादा बेंड होने से। तो यहाँ पे आप ये देखिए, ज्यादा बेंड होगी तो साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। अगर आप देखिए, जाना इसे सीधे था, जाना इसे सीधे था इस तरीके से, जाना इसे सीधे था इस तरीके से, ये बेंट हो गई कुछ एंगल से, ये भी बेंट हो गई कुछ एंगल से, लेकिन साफ साफ ये ज्यादा बेंट हुई। तो यानी इसकी पावर ज्यादा है। समझ गए नहीं समझ गए। यस सर। मोर द बेंड नहीं, मोर विल बी द पार। लेकिन अभी बात आई कि सर ये तो समझ गए कि इसकी पार ज्यादा है, लेकिन क्या पार हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जी हाँ, पार कैलकुलेट भी की जा सकती है, पार का एक फॉर्मूला भी है। लेकिन वो फॉर्मूला बनाया कैसे जाए, उसके लिए हमें पहले ये देखना होगा कि पार भैया डिपेंड किस पे कर रही है। तो आप साथ साथ देखिए जरा, अगर हम देखें जिस पॉइंट पे आके ये कन्वर्ज करती है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। जिस पॉइंट पे आके ये प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करती है, इसे फोकस कहते हैं। ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर। साफ साफ देखिए प्यारे बच्चे कि यहाँ पे फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की इतनी आई है, जबकि यहाँ पे फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की इतनी आई है।
तो आप देखिए जिसमें ज्यादा बेंडिंग हुई है ज्यादा अंदर की तरफ आ जाएगी वहां पे फोकल लेंथ, फोकस भी ऑप्टिकल सेंटर के पास आ जाएगा और फोकल लेंथ उतनी ही, कम हो यानी जाएगी जितनी ज्यादा जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतनी ज्यादा बेंडिंग, उतनी ज्यादा बेंडिंग यानी उतनी ज्यादा पावर ज्यादा। तो बोले यानी पावर जो है किसी भी लेंस की वो फोकल लेंथ पर डिपेंड करती है, और वो भी कैसे इनवर्सली। तो बोले ये इसका फॉर्मूला बना दो, बोले ऐसे लिख दे रहे हैं पावर इज मेजर्ड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, मोर द लेस द फोकल लेंथ मोर विल बी द पावर एंड वाइस वर्सा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर। फोकल लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। डिस्टेंस एक तरीके का डिस्टेंस वो मीटर में ही होगा, तो एसआई यूनिट ऑफ पार क्या होगी? पार की एसआई यूनिट क्या होगी बेटा? पार की यूनिट होती है आप इसमें फोकल लेंथ में मीटर डाल दीजिए तो इसकी यूनिट हो गई पर पर मीटर, मीटर। लेकिन पर मीटर ना लिख के इसकी एसआई यूनिट लिखते हैं हम डायोप्टर, जिसे डिनोट करते हैं डी से, कैपिटल डी से। बात समझ गए? तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पार, तो आप बोलेंगे डायोप्टर। बात समझ पा रहे हो कि ना समझ पा रहे हो? ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला आप जब भी लगाएंगे तो फॉर्मूला में जो फोकल लेंथ की वैल्यू है ये किस में ही डालेंगे? नहीं, मीटर में। किस में? मीटर में। देखिए पार का फॉर्मूला 1/f तभी लगाएंगे जब फोकल लेंथ, पार की यूनिट डायोप्टर तभी आएगी जब फोकल लेंथ मीटर में हो, तो इसमें फोकल लेंथ मीटर में डालनी होगी। ये स्पेशली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे पहले जितने भी न्यूमेरिकल्स करे थे जनरली फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी जाती, कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ फोकल लेंथ इज सेंटीमीटर, बट इस फॉर्मूले में डालते समय, और अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर में ही दे रखी हुई तो क्या करोगे भैया? अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई तो क्या करोगे? ये फॉर्मूला लगा दोगे ऐसे? नहीं, पहले से मीटर में करने के लिए अपॉन 100 करेंगे, और सोचो अगर इसे अपॉन 100 करोगे तो वो अपॉन 100 ऊपर चला जाएगा, तो फॉर्मूला तो ये हो जाएगा ना। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। बोर्ड ने लिख के दिया कि पावर पे बेस न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, है ना? लेकिन भैया इसमें है क्या जो हम कहें छोड़ दो, इसके न्यूमेरिकल मत करो, 1/f ही तो फॉर्मूला है, f की वैल्यू डालो आंसर निकाल लो, ठीक है? नहीं है। लेकिन एक बात है नोटिस करने वाली यहाँ पे, अगर हम बात करें फॉर फॉर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, तो जरा ये बताओ कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ का साइन क्या होता है? पॉजिटिव होती है। देखो कॉन्वेक्स लेंस में रेज आगे जाके मीट करती है, फोकस आगे होता है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, विच इंप्लाइज दैट उसकी पावर भी पॉजिटिव होगी। मानते हो ना मानते हो? लेकिन अगर हम बात करें फॉर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो उसकी पावर भी नेगेटिव आएगी। यानी अगर कहीं पे आपको फोकल लेंथ कॉनकेव की 10 सेंटीमीटर दे रखी है तो सेंटीमीटर वाले फॉर्मूले में 10 नहीं लगाना, -10 लगाना, और माइनस लगाने पे पावर भी माइनस आ जाएगी। ठीक है। तो बाबू आदर्श चश्मा लगाते हैं आप? क्या क्या है आपकी आई साइट? नॉर्मल तो चश्मा क्यों लगाते हैं? होता है तो कुछ पावर होगी ना चश्मा की, बिना पावर के चश्मा लगाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, पावर होती है कुछ ना कुछ, जैसे आपकी होगी, जैसे मेरे चश्मे की मैं बात करूं, आपने सुना होगा दूध किसी भी इंसान की कि बोले चश्मे की पावर है -2 -5 +2 +1.5, ऐसे सुना कि ना सुना है? 0.25 थी है ना, तो आप सुनते हैं +0.25 है। व्हाट डू मीन बाय प्लस? पहली बात तो ये +0.25 बोल रहे हैं, इसकी यूनिट तो बोली नहीं, अगर यूनिट नहीं भी बोली तो कौन सी यूनिट होगी? डायोप्टर। वो डायोप्टर होती है, बोलते नहीं है, है? अगर इन्होंने बोला +0.25 इसका मतलब प्लस में किसकी है? कॉन्वेक्स लेंस के चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस लगा है, किसी की माइनस है यानी उसके में कॉनकेव लेंस। बस समझ गए ना समझ गए? ठीक है, ये नोट कर लिया सारा? हाँ, इसकी यस सर।
हाँ बिल्कुल ले सकती हैं आप, और ले सकते हैं। इसके आगे मैं सिस्टम कर दूंगा कि यहीं से आपका जो भी लिखा है आपके व्हाट्सएप पे चला तो व्हाट्सएप पे जाएगा या कॉपी पे कहाँ लिखेंगे जाए। आप? कॉपी पे तो लिखेंगे, कॉपी पे तो हमें लिखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो इससे लिखना अच्छा चाहिए। इंग्लिश हैं? लिखेंगे। हाँ बिल्कुल लिखना सर, चाहेंगे अभी, लेकिन अगर किसी को नहीं लिख पाए हैं, देर हो गई सर है। वीडियो यूट्यूब पॉज करके हाँ लिख सकते बिल्कुल बिल्कुल। और क्या है, तो उधर जाके आप वीडियो से लिख सकती हैं। अच्छा सही, अपलोड कर दें आप लाइव बेटा, ये चल रहा है, अपलोडेड है ऑलरेडी। आपको लिंक भेजा गया है ग्रुप पे, आप कभी भी जाके उसे क्लिक करके, कुछ चीज छूट गई है तो आप, कर ठीक है ना? अच्छा ओके, ठीक है भैया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। चलिए अभी बात ये आई, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, पार्ट टू हो गई, मैग्नीफाइंग ग्लास एंड सिंपल माइक्रोस्कोप। ये बता देते हैं आपको, मैग्नीफाइंग ग्लास एंड सिंपल माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप क्या चीज होती है। देखो भैया, आपने ये पढ़ा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस में आगे रखा हो, इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखा हो, तो बताइए उसकी इमेज कहाँ बनती है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से दो रेज निकाली, एक पैरेलल टू पैरेलल प्रिंसिपल एक्सेस, ये गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, ये कहाँ से जाएगी, फोकस फोकस से, और दूसरी ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर से ये सीधी चली जाएगी। इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं हम, आगे तो नहीं मीट करेगी, तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो यहाँ पे इसकी सेंटर इमेज बन गई। कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल वर्चुअल, और कैसी बनी है, इरेक्ट इरेक्ट बनी है, और कैसी बनी है, मैग्नीफाइड मैग्नीफाइड, यानी बड़ी। मैग्नीफाइड का दूसरा नाम क्या है, एनलार्ज इमेज बनी है, ठीक है, बोले इसी का फायदा उठाना है। बाकी सब केस में तो इन्वर्टेड इमेज बनती है कॉन्वेक्स में, एक ही केस है जिसमें बड़ी और सीधी इमेज बनती है, वो है ये, तो इसका फायदा उठा सकते हैं इन मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास हैंडहेल्ड ग्लास होता है, पार पढ़ने के डिटेक्टिव लोग यूज करते हैं, पाल्मेंस यूज करते हैं, बड़ा करके देखना है किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए कौन सा लेंस यूज करोगे, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस जब यूज करोगे बेटा, मुझे ये किताब पढ़नी है, तो किताब पढ़ने के लिए कॉन्वेक्स लेंस ये मेरे हाथ में है, तो मैं इसे ऐसे रखूंगा, मतलब जो प्रिंटेड मैटर है उसके पास में रखूंगा, या फिर अपनी आंख के पास में रख के ऐसे देखूंगा। प्रिंटेड बताइए, आप कह रही हैं आपके पास, आप कह रहे हैं प्रिंटेड के पास, आप क्या कहेंगी, प्रिंटेड के पास, क्यों आप क्या कह रही हैं, आपके पास क्यों, ओके आप क्यों कह रहे हैं। देखिए प्यारे, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट के पास, आप जब डिटेक्टिव लोग फिंगरप्रिंट देख रहे हैं हाथ के कहीं के, तो ऑब्जेक्ट के पास ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ही तो देखते हैं भैया, पास में रख के। वो सामने दीवार पे कुछ देखना है मुझे कि कौन वहां पे क्या लिखा है, तो ऐसे यहाँ इतनी दूर से खड़े हो गए, ऐसे करके देखूंगा, ऐसे करके देखते हैं क्या, वहां पास में जाके देखते हैं ना, क्यों क्यों, इसलिए क्योंकि हमें बड़ा इमेज तभी दिखेगी जब वो ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो, यानी लेंस के पास में हो, तभी तो मैग्निफाइड बनेगी। तो इसलिए ऑब्जेक्ट शुड बी कैप्ट नियर द लेंस सो दैट इट मे लाई बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, इन मैग्निफाइंग ग्लास व्हाट शुड बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, आप कहोगे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, रीजन कहेंगे तो आप लिख दोगे बिकॉज व्हेन दिस प्लेस देन इट फॉर्म्स मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज इरेक्ट, समझ गए, ठीक है। अच्छा फिर बात ये आई, मैग्निफाइंग ग्लास को ही बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है सिंपल यही होता है, सिंगल लेंस, ठीक है। अच्छा सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्निफाइंग ग्लास की फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए, फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए टू यूज कॉन्वेक्स लेंस एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास, नेगेटिव कैसी होनी चाहिए, मतलब बड़ी या छोटी, सर बड़ी, बड़ी सर छोटी होनी चाहिए, क्यों,
बहुत बढ़िया। बोले सर अभी आपने बताया कि पावर ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन फोकल लेंथ वो भी इनवर्सली, सो दैट सो टू हैव मोर पावर फोकल लेंथ शुड बी स्मॉल, तभी इमेज बड़ी बनेगी। पावर ज्यादा होगी, ज्यादा बेंड होगी, उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है ओके ठीक है भाई। तो ये हो गए लेंस, माइक्रोस्कोप में यूज होते हैं, रे डायग्राम बना दिया मैंने। एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज और सुन लो भैया कि ये माइक्रोस्कोप में तो यूज होता ही होता है, ऑब्जेक्ट टेलीस्कोप की टेलीस्कोप में भी इसका यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है, फिर कैमरे में लगाया जाता है आपको बताया था, ठीक है, और आंख को सही करने के लिए किसी आंख में डिफेक्ट है, आप बायो में पढ़ेंगे या पढ़ लिया होगा, किसी को हाइपरमेट्रोपिया है, लॉन्ग साइटेडनेस है, फार साइटेडनेस, तीनों एक ही नाम है, तो उसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। फिर से बोल रहा हूँ, नाम सुना कभी मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया? मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस, हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस आई साइट में। अब वो क्या होता है वो बायो में है, लेकिन जब आप वापस आएंगे एग्जाम देके, होम एग्जाम प्री बोर्ड, उसके बाद हम पूरा आपको अच्छे से समझाएंगे कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि ये क्या होते हैं और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल कॉनकेव लेंस की बात करें तो गैलीलियन टेलीस्कोप में यूज होता है। किसी की मार करी हुई है ये पकड़ने, ठीक है। अच्छा फिर बात आई किसी भी लेंस की फोकल लेंथ कैसे मेजर करनी है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ये आपके सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए, अच्छा रहेगा आपको पता हो ना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या होता है प्यारे, बात करें, अच्छा पहले एक और इंपॉर्टेंट बात कर लें कि अगर मैंने आपको आपके हाथ में मैंने आपको दे दिया, आंखें बंद करके बताओ कि कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉनकेव लेंस है, क्या बता दोगे? कैसे बताओगे आंखें बंद करके? शेप से। बोले सर हम उसे छुएंगे, अगर उसे छूने से वो बीच से मोटा लगता है, एजेस से पतला लगता है, तो वो कॉन्वेक्स है, हैं? और अगर बीच से पतला लगता है, एजेस से मोटा लगता है, तो वो कॉनकेव लेंस है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन आएगा बिना छुए आंखें खोल के। तो ऑब्जेक्ट देखेंगे अगर पास से वो बड़ा लगता है तो कॉन्वेक्स। इसको थोड़ा सा सही से और इलेबोरेट करना होगा। आप कहोगे, आप सही कह रहे हैं, वैसे क्या करेंगे हम, लेंस लेंगे दोनों, और दोनों लेंस के आगे एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, दोनों लेंस के आगे एक ऑब्जेक्ट रखेंगे इस तरीके से, लीजिए ये लेंस और ये लेंस, और दोनों के आगे एक एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रखा ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के पास में रखेंगे, पास में, ठीक है, दोनों को पास में रखेंगे इस तरीके से, और फिर उसकी इमेज देखेंगे कहां बन रही है। अगर इमेज उसकी बड़ी बन रही होगी और इरेक्ट, तो वो कौन सा है? कॉन्वेक्स। आपने अभी देखा कि कॉन्वेक्स के केस में बड़ी इरेक्ट इमेज बनती है पीछे की तरफ, और कॉनकेव के केस में कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है, छोटी बनती है। तो इफ द इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज एंड इरेक्ट देन इट इज कॉन्वेक्स, एंड डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट देन इट विल बी कॉनकेव। ऐसे पता लगा, बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। अच्छा अभी बात आई कि किसी भी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ रफली कैसे निकाली जा सकती है एक्सपेरिमेंटली। फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में एक्सपेरिमेंट नहीं है, लेकिन इसका कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है आपको। तो देखिए कैसे पता लगाएंगे, क्या करेंगे, हम एक लेंस लेंगे, हम एक लेंस लेंगे कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, किसी एक टेबल पे इस तरीके से माउंट करेंगे, एक टेबल होती है ना, ये टेबल, छोटी सी टेबल इस तरीके से होती है, इसमें लेंस को हम किसी इस तरीके से स्टैंड के ऊपर रखते हैं, और इस टेबल पे एक स्केल बना होता है जिस स्केल पे रीडिंग होती है 0 से इस तरीके से 100 सेंटीमीटर तक, ठीक है, और ये जो स्टैंड पे लेंस लगा होता है इसके बीच में ऐसा सिस्टम होता है, इसे हम आगे पीछे
मूव कर सकें, खिसका सकें स्केल के ऊपर। क्या करेंगे, टेबल को हम खिड़की के पास ले जाएंगे, खिड़की के बहुत दूर एक पेड़ है, उस पेड़ की इमेज बनाएंगे, पेड़ की इमेज बनाएंगे। बहुत दूर से जो रेज आती हैं वो कैसी आती हैं, पैरेलल, पैरेलल आती, बहुत दूर से रेज आएंगी, पैरेलल आएंगी, और पैरेलल रेज की इमेज बन जाएगी। मानते हो कि ना मानते हो, इस तरीके से इमेज बनाएंगे, ये पेड़ से रेज आ रही थी और पेड़ की इमेज बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी, रियल इमेज के लिए हम इन्वर्टेड बनेगी, उसके आगे हम एक स्क्रीन रख देंगे यहाँ पे, इस तरीके से एक स्क्रीन रख देंगे एक दूसरे स्टैंड पे, और स्क्रीन पे पेड़ की इमेज, वो भी उल्टे पेड़ की इमेज बन जाएगी। मानते हो, स्क्रीन को हम आगे पीछे करेंगे जब तक उसकी पेड़ की इमेज उस स्क्रीन पे क्लियर शार्प इमेज ना बन जाए। आगे किया, पीछे किया, पीछे किया, पीछे किया, यहाँ पे इमेज बनने लगी बिल्कुल शार्प, तभी हमें पता चलेगा अरे इमेज तो कहाँ बनती है, अगर रेज इंफिनिटी से आ रही हो तो फोकल प्लेन पे बनती है, फोकस पे बनती है। इसका मतलब ये क्या रहा होगा, इसका फोकस। मान लें यहाँ था 40 सेंटीमीटर लिखा हुआ, 40 सेंटीमीटर पे लेंस रखा था, 65 सेंटीमीटर पे यहाँ पे इमेज बनी, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे कितना, 25 सेंटीमीटर, यही इसकी क्या रही होगी, फोकल लेंथ। बात समझ गए कैसे लगा करा था मैंने क्लास में, ठीक है, स्कूल में, ओके, तो समझ में आ गई अभी बात कैसे कर रही है। मैंने वहां पे इतना नोटिस नहीं किया था कि विंडो की बेटा, कमरे के अंदर विंडो की ही बनती है, ठीक है, बिल्कुल सही, ओके है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, तो बेटा एक बार फिर से बता दूं मैं कि संडे को आप लोगों की मेंटी क्विज है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, एक लेवल अप होगा पिछली सारी मेंटी से, ठीक है, और इसका मेंटी का लिंक मैं यहाँ पे आपको नीचे सबसे आखिरी में अभी देने वाला हूँ, इसे क्लिक करके लाइक वाइक कर दीजिए और सेट रिमाइंडर ऑन कर लीजिए, ठीक है, ये रहा सबसे आखिरी में आपका लिंक। वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी ऑनलाइन है, ठीक है, तो मजे आने वाले हैं इस बार की इलेक्ट्रिसिटी की मेंटी में अगर आप तैयारी करके आते हैं, बहुत बढ़िया मेंटी बनाई गई है। चलिए ओके, फिर बात आई एक लास्ट टॉपिक आपका कि हाउ टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस यूजिंग अ प्लेन मिरर, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है और होम एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि मान लें कि ये एक इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, मान लें कि अगर यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ, इसके फोकस पे, तो बताओ फोकस से अगर कोई रेज निकलेंगी तो वो कैसी हो जाएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी। और बताइए अगर इसके आगे हमने एक प्लेन मिरर रख दिया यहाँ पर इस तरीके से, प्लेन मिरर बिल्कुल ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रख दिया, तो ये जो रेज थी ये यहाँ पड़ने के बाद इन रेज का क्या होगा, परपेंडिकुलर पड़ती है अगर प्लेन मिरर पे तो वैसे के वैसे ही पाथ रिट्रेस हो जाएगा, मानते हो कि नहीं मानते हो, और जब ये वापस आएंगी इस तरीके से पैरेलल तो कहाँ जाएंगी, फोकस पे ही वापस मीट करेंगी, मानते हो कि नहीं मानते हो, तो जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पर इमेज बन जाएगी। अगर लेंस के आगे प्लेन मिरर रखा और इसके पीछे ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट ऐसी जगह रखा कि जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं इमेज बन गई, तो वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या ही हो सकती है कि वहीं इमेज बन जाए, ऑब्वियसली ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है
क्या कि जहां ऑब्जेक्ट रखा है वही इमेज बन जाए, ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब वो ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो, मानते हो? तो ये जो डिस्टेंस होगी उस केस में वो फिर किसके इक्वल होगी, ये वाली डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? फोकल लेंथ, ऑब्वियसली फोकल लेंथ के। तो हम क्या करेंगे अगर हमें फोकल लेंथ निकालनी है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस पे रखेंगे और इसके आगे पीछे खिसकाएंगे और फिर उसकी इमेज देखेंगे कहाँ बन रही है, और इसे हम आगे पीछे खिसकाते खिसकाते एक ऐसी जगह जाके रोक देंगे जहां पर इमेज इसकी इमेज यहीं पे बनने लगे इसकी उल्टी सेम साइज की, वहीं पे हम उसे रोक देंगे। ये फाइंड करेंगे कि कहां ऐसा हो रहा है खिसकाते खिसकाते कि वहीं इमेज बन रही, बोले अरे यहां बन रही है, अच्छा इससे 20 सेंटीमीटर दूर बन रही है, वहीं पे इमेज बन जा रही है, तो ये इसकी क्या हो गई? फोकल लेंथ। बात समझ गए नहीं? तो एग्जाम में ये डायग्राम बनाने को आ सकता है, कंप्लीट द डायग्राम, वो कहेंगे कि ये फोकस है तो ये कंप्लीट करिए डायग्राम रेज बना के, फिर कहेंगे इमेज कैसी बनेगी, तो आप कहेंगे रियल इन्वर्टेड सेम साइज, या ये कह देंगे ये डायग्राम पूरा रे डायग्राम बना हुआ दे देंगे और कहेंगे कि इमेज वहीं बन रही है, तो कहेंगे मार्क द फोकस, आप यहां मार्क कर देंगे, कहेंगे मार्क द फोकल लेंथ, तो आप ये मार्क कर देंगे फोकल लेंथ, कहेंगे स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, कहेंगे आप रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। बात समझ गए कि नहीं? समझ गए। फिर ये पूछेंगे कि बताइए ये जो इस तरीके से ये प्लेन मिरर है, अगर इस प्लेन मिरर को पीछे खिसका दें, इस प्लेन मिरर को अगर पीछे खिसका दें तो इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा, बताइए? प्लेन मिरर को अगर पीछे खिसका दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, पड़ेगा, फोकल लेंथ उसकी चेंज हो जाएगी। और कोई सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? सर क्योंकि रेज पैरेलल है तो जाए वो मतलब वैसी आएंगी रिफ्लेक्ट होके भी। बिल्कुल बेटा, देखिए अगर हम इसे पीछे खिसका दें, ये लीजिए पीछे खिसका दिया, इसकी नई पोजीशन बना दे रहे हैं, ये हमने यहाँ पे इसे खिसका दिया, ठीक है, तो आप समझिए। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल ये कॉन्वेक्स लेंस वही है, रेज यहाँ से ना टकरा के आगे से जाके टकरा के वापस आएंगी, लेकिन रहेंगी तो पैरेलल ही, इसलिए इस डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेन मिरर के आगे खिसकाने से भी कोई फर्क। बेटा नहीं, कॉनकेव के केस में, अच्छा ये कह रहे उसकी पोजीशन, हाँ बिल्कुल, हाँ इसको आगे पीछे करेंगे तो फिर उसकी फोकल लेंथ फोकस चेंज हो जाएगा, तो पॉइंट चेंज होगा, डिस्टेंस चेंज होगा, मतलब इमेज फिर यहाँ नहीं बनेगी अगर इस लेंस को इधर खिसका देंगे, ठीक है, ओके बिल्कुल सही। बना लो, ठीक है भाई, ओके। और इस बीच अभी आप लोग जैसे कल परसों से नहीं आओगे, तो अगर इस बीच आपके प्री वो सैंपल क्या कहते हैं उसे स्पेसिमेन पेपर अगर बोर्ड का इशू हो गया, ठीक है, तो उसी दिन या उसी के अगले दिन आप लोगों की मैं सॉल्व कराऊंगा ऑनलाइन, तो आप उसे अटेंड जरूर करिएगा। और अभी आपका कोई इशू नहीं हुआ है, वो जो कल वो कह रही थी कि सर ने स्कूल में कराया है वो पिछले साल का था, ठीक है बाबूजी। तो ये आपका चैप्टर हो गया, अभी आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर बचा है बस स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम में भैया जब तक हम यहाँ पे नहीं करा रहे हैं, आप सिर्फ मार्क कर लीजिए कि एग्जाम में क्या आएगा। स्पेक्ट्रम में आपको पता है 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, डिस्पर्जन क्या होता है उसकी डेफिनेशन, और स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन यानी पेज नंबर 135 पे सबसे ऊपर वाला, ठीक है, और पेज नंबर 134 पे अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ रेंज जो लिखी है वायलेट से लेकर रेड तक 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम, ये विजिबल स्पेक्ट्रम की अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ रेंज पूछी जा सकती है। पेज 136 पे जितने एग्जांपल्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं,
137 के इंपॉर्टेंट हैं, डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन आप इसमें सब कर लेना। और शॉर्ट में बता दूं क्या होता है कि शॉर्ट में देख लीजिए जल्दी से कि प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म पे जब व्हाइट लाइट पड़ती है तो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। सबसे नीचे कौन सा कलर होता है? रफ, बहुत रफ बनाया है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसे हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेंड ऑन द स्प्लिटिंग। और इस प्रोसेस को स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स डिस्पर्शन, इन दोनों की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन वायलेट के नीचे भी कुछ पार्ट होता है और रेड के ऊपर भी होता है। वायलेट के नीचे पता है क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है, उसके नीचे एक्स रेज होती है, उसके नीचे गामा रेज होती है, और इसके ऊपर चले जाए इंफ्रारेड होता है, फिर माइक्रोवेव्स होती हैं, और फिर रेडियो वेव्स होती हैं। तो ये पता होना चाहिए, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वेवलेंथ इंक्रीज होती है, जबकि फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट कर सकते हैं वो डिक्रीज होती है। तो कहेंगे हाईएस्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स, सबसे पूरे स्पेक्ट्रम में ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, और इस पूरे स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये तीन और ऊपर तीन विजिबल नहीं होती है, तो इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव्स सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो ये तीन और ये तीन की प्रॉपर्टीज और यूजेस आएंगे जो एक टेबल में दे रखे हैं, वो आप लोग करें। किसकी? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, कोई एक लाइट, यहाँ इतनी सारी लाइट है, इन सबकी तो अलग होती ही होती है, ये कभी नहीं लिखा है कि इन सबकी सेम होती है। फिर हाँ, इन सबकी सेम क्या होती है? सबकी वेलोसिटी, एयर में वैक्यूम में सबकी स्पीड 3×10^8 मीटर पर सेकंड होती है, ऑल ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, एंड ऑल ऑफ दीज डज नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं टू ऑल द रेस, ठीक है, ये लीजिए। बाकी हम डिटेलिंग करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, चलिए, तो हमारी तरफ से आपको आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। भैया मेहनत करिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए और नाम रोशन करिए सबका। कल बेचा अब आप क्या करेंगे? आपको अभी एक मिनट स्ट्रीम एंड कर दे रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, ठीक है, मिलेंगे फिर किसी और लेक्चर में। और हाँ, यहाँ पे फिर से बता दूं, जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं, जल्दी से एक लिंक भेज रहा हूँ, जो आपकी संडे को मेंटी क्विज होने वाली है उसका लिंक यहाँ आ चुका है, इसको क्लिक करके लाइक करके सेट रिमाइंडर ऑन कर लीजिए। 4 बजे हम लोग मिलने वाले हैं मेंटी क्विज में, क्लास 10 ICSE CBSE की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे। ओके, थैंक यू वेरी मच, और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं इस वाले लिंक को शेयर करिए, ठीक है, ओके बाय। हाँ, अभी क्या